सो गाइस हमारे बी आर रैंक का न्यू रैंक सीजन आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बी आर रैंक के टॉप 10 हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ, वो भी बरमुडा मैप की। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ वो सब हिडन प्लेसेस आप सोलो खेलो, स्क्वाड खेलो, डुओ खेलो, आप सारे मोड में उन सब प्लेसेस को यूज कर सकते हो। और इन सब प्लेसेस को यूज करके आप लोग अपना रैंक पुशिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई लोग हमारा फर्स्ट वाला हिडन प्लेस आता है हमारा पीक के पास। तो आपको एक बाइक का जरूरत पड़ने वाला है, तो आपको एक बाइक लेके ना इस पत्थर के पास में आना है। और इस पत्थर के पास में आने के बाद आपको बाइक ने एकदम रिवर्स लगानी जैसे मैं लगा रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही बाइक को लगा देना है। और उसके बाद आपको बाइक पे से यहाँ पर एग्जिट करना है, और जहाँ पर भी आप उतरोगे वहाँ पर आपको एक वॉल लगा देनी है। और वॉल लगाने के बाद आपको बाइक के अंदर इंटर करना है, आपको बाइक चलाना नहीं है, आपको बाइक के अंदर इंटर करना है। और उसके बाद आप जैसे ही एग्जिट करोगे तो देख सकते हो गाइस आप ना इस पत्थर के अंदर आ जाओगे। और भाई लोग इस पत्थर के अंदर आने के बाद आप लोग आराम से सर्वाइव वगैरह कर सकते हो, और अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव वगैरह भी कर सकते हो सोलो डेयर लेके। तो भाई लोग ये वाला हिडन प्लेस ना काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर आपको इस पत्थर से बाहर आना है तो आपको सीधा सा यहाँ पर से रन कर देना है, तो आप इस पत्थर के बाहर आ जाओगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा सेकंड वाला हिडन प्लेस आता है हमारे हैंगार पर। तो भाई लोग जब भी हैंगार की तरफ जोन बने ना, ये वाला प्लेस आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। तो इस प्लेस पे आने के लिए भी आपको एक बाइक का जरूरत पड़ने वाला है, और बाइक के अलावा भी आप यहाँ पर कोई सा और भी गाड़ी यूज कर सकते हो। तो आपको बाइक लेके ना इस घर के पास में आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको बाइक ऐसे लगा देनी जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वॉल का जरूरत पड़ने वाला है, तो जैसे मैं वॉल लगा रहा हूँ आपको भी सेम ऐसे एक वॉल लगा देनी है। उसके बाद आपको बाइक के ऊपर जंप करके ना फैंस के ऊपर चढ़ जाना है, और फैंस के ऊपर से आपको वॉल के ऊपर जंप करना है, और वॉल के ऊपर से आपको सीधा इस घर के ऊपर आ जाना है। तो भाई लोग सबसे पहले ना आपको यहाँ पर वॉल वगैरह को तोड़ देना है, नहीं तो कोई एनिमी आपको देख लेगा। तो वॉल तोड़ने के बाद आपको सीधा इस घर के ऊपर जंप करना है, तो जंप कर करके ना आपको सबसे ऊपर आ जाना है। तो भाई लोग यहाँ पर आने के बाद ना आप पेड़ के कवर में बिल्कुल ही हाइड हो जाओगे। तो भाई लोग अभी आपको लग रहा होगा कि एनिमी आपको देख लेगा, मगर आप लोग इस प्लेस को यूज करोगे ना तो एनिमी आपको यहाँ पर नोटिस ही नहीं करता है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर ना एक एनिमी था पीछे, मैंने उसको मार दिया है। तो ये वाला प्लेस भी आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो बढ़ते हमारे थर्ड वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा थर्ड वाला हिडन प्लेस आता है हमारे रिवर साइड पर। सो गाइस ये वाला हिडन प्लेस पे जाने के लिए आपको तीन वॉल का जरूरत पड़ने वाला है, और जब भी जोन ना रिवर साइड के अंदर बनेगा ना तो ये प्लेस आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। तो आपको ना सीधा से यहाँ पर नीचे कूद जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको पानी के अंदर जाना है। और भाई लोग पानी के अंदर जाने के बाद ना आपको यहाँ पर तीन वॉल का जरूरत पड़ने वाला है, तो जैसे मैं तीन वॉल लगा रहा हूँ आपको भी सेम ऐसे ही तीन वॉल लगा देनी है। तो भाई लोग यहाँ पर ना वॉल एकदम आराम से लगाना, नहीं तो गलत वॉल लग जाएगा आपसे। तो वॉल लगाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद ना आपको यहाँ पर से ना सीधा वॉल के ऊपर जंप करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर स्कोप खोल के जंप करना है, तो एकदम परफेक्टली आप वॉल के ऊपर जंप कर दोगे, और वॉल के ऊपर से ना आपको सीधा इधर की तरफ आ जाना है। तो भाई लोग यहाँ पर आने के बाद आप लोग आराम से सर्वाइव वगैरह कर सकते हो। और भाई लोग कोई एनिमी सोच ही नहीं सकता कि यहाँ पर भी आके कोई बैठ सकता है, और जो भी एनिमी यहाँ पर साइड से निकलेगा आप उसको यहाँ पर से मार भी सकते हो। सो भाई लोग ये वाला जो प्लेस है ना मेरा एकदम फेवरेट है, तो आप लोग जरूर से इस प्लेस को एक बार यूज करके देखना। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा फोर्थ वाला हिडन प्लेस आता है हमारे सेंस्टोसा के पास। तो भाई लोग जब भी जोन सेंस्टोसा और पोचिनो की तरफ बनेगा तो ये वाला हिडन प्लेस आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो आपको ना यहाँ पर नीचे आना है, जहाँ पर ये दो घर होते हैं ना, आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद ना आपको सीधा इस पानी के अंदर जाना है बैठ बैठ के। तो भाई लोग आपको धीरे धीरे पानी के अंदर जाना है, और ऐसा करते करते आप इस पानी के अंदर आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग ना बिल्कुल पूरी तरीके से हाइड वगैरह हो जाओगे, और कोई एनिमी आपको यहाँ पर देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि पानी के अंदर ना कोई भी यहाँ पर देखता ही नहीं है। और यहाँ पर से ना फायर वगैरह भी कर सकते हो, कोई एनिमी आपको दिखता है तो उसको यहाँ पर से आप मार भी सकते हो, और वो एनिमी सोच भी नहीं सकता है कि कोई पानी के अंदर भी बैठ के फायर वगैरह कर सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा फिफ्थ वाला हिडन प्लेस आता है हमारे रिमनम पर। तो भाई लोग जब भी जोन ना रिमनम के साइड बनेगा ये प्लेस आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो इस प्लेस पे जाने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको दो वॉल का जरूरत पड़ने वाला है, तो जैसा मैं दो वॉल लगा रहा हूँ आपको भी सेम ऐसे ही दो ग्लू वॉल लगा देनी है। और वॉल लगाने के बाद आपको इस वॉल के ऊपर जंप करना है, और वॉल के ऊपर से जंप कर करके ना आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आप ना बैठ के और लेट के आराम से यहाँ पर कैंप कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपको एक परमानेंट कवर देखने को मिल जाता है, तो कोई एनिमी आपको यहाँ पर नोटिस ही नहीं कर पाएगा। तो ये वाला हिडन प्लेस भी आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले हिडन प्लेस की तरफ। तो भाई लोग अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा सिक्स्थ वाला हिडन प्लेस आता है हमारे हैंगर पर। तो भाई लोग इस वाले हिडन प्लेस पर जाने के लिए आपको ऑब्जर्वेटरी पर आ जाना है। तो ऑब्जर्वेटरी पे आने के बाद आपको ना इस लॉन्च पैड को यूज करना है, तो मैं जैसे इस लॉन्च पैड को सेट कर रहा हूँ आपको भी सेम इस लॉन्च पैड को ऐसे ही सेट कर देना है। तो लॉन्च पैड को सेट करने के बाद आपको इस लॉन्च पैड को यहाँ पर यूज कर देना है। तो जैसे ही आप लॉन्च पैड को यूज करोगे ना भाई आप ना इस हैंगर के बोर्ड के ऊपर आ जाओगे, और अगर जोन इधर की साइड बन जाता है तो आप लोग यहाँ पर आराम से बहुत सारे किल वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर ना एक वेंडिंग मशीन भी होता है और एक रिवाइवल पॉइंट भी होता है, तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग आराम से सर्वाइव वगैरह कर सकते हो। तो ये वाला प्लेस भी आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाला हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा सेवंथ वाला हिडन प्लेस आता है हमारे शिपयार्ड पर। तो इस वाले हिडन प्लेस पे जाने के लिए आपको इस वाले लॉन्च पैड के पास में आ जाना है, और जैसे मैं इस लॉन्च पैड को सेट कर रहा हूँ आपको भी सेम ऐसे ही लॉन्च पैड सेट कर देना उस पेड़ के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्च पैड को यूज करोगे आप इस पेड़ के अंदर आके अटक जाओगे। तो भाई लोग यहाँ पर आने के बाद आप लोग आराम से सर्वाइव वगैरह कर सकते हो।
तो जब भी जोन शिपयार्ड की तरफ बनेगा ना, तो ये वाला प्लेस आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा और कोई भी एनिमी यहाँ पर आपको नोटिस ही नहीं कर पाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा 8th वाला हिडन प्लेस आता है हमारे क्लॉक टावर पर। तो भाई लोग ये वाला हिडन प्लेस आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा जब क्लॉक टावर की तरफ जोन बनेगा। तो आपको इस लाल वाले घर के पास में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद ना आपको 3 वॉल का जरूरत पड़ने वाला है। तो जैसे मैं 3 वॉल लगा रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही 3 वॉल लगा देनी है। तो वॉल लगाने के बाद आपको घर के ऊपर आना है और यहाँ पर से आपको वॉल के ऊपर जंप करना है और वॉल के ऊपर जंप कर करके ना आप इस घर के ऊपर आ जाओगे। तो भाई लोग ये वाला प्लेस ना आप लोग तभी यूज करना जब क्लॉक टावर की तरफ जोन बनेगा, क्योंकि पीछे से अगर एनिमी आ गया ना तो आपको बहुत ही आसानी से वो मार के चले जाएगा। तो जब भी क्लॉक टावर की तरफ जोन बनेगा, यहाँ पर भीमा शक्ति की साइड जोन नहीं बनता है, तो उस टाइम ये वाला प्लेस आपके बहुत ही काम में आने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा 9th वाला हिडन प्लेस आता है हमारे ग्रेवयार्ड पर। तो भाई लोग ये वाला हिडन प्लेस ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो इस वाले हिडन प्लेस पर जाने के लिए आपको यहाँ पर इस लॉन्च पैड के पास में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद ना आप इस लॉन्च पैड को यूज करना है। और जैसे मैं लॉन्च पैड को सेट कर रहा हूँ ना, आपको भी सेम ऐसे ही लॉन्च पैड को सेट करना है। और उसके बाद आप जैसे इस लॉन्च पैड को यूज करोगे तो आप लोग ना इस ग्रेवयार्ड के बैनर के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पर आने के बाद ना आप लोग आराम से सब तरफ के एनिमीज को मार सकते हो। और अगर जोन यहाँ पर ग्रेवयार्ड की तरफ बन जाता है तो ये वाला हिडन प्लेस आपको उस टाइम बहुत ही काम में आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस हमारा लास्ट वाला हिडन प्लेस आता है हमारे पीक पर। तो भाई लोग इस वाले प्लेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो भाई लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो सब ना पीक के इस वाले सेकंड फ्लोर के ऊपर जाने का ट्राई करते हैं। तो पीक के ऊपर ना यहाँ पर एक और सेकंड फ्लोर है, तो उस वाले सेकंड फ्लोर के ऊपर ना कोई भी एनिमी जाता ही नहीं है। तो आप लोगों को ना यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक वॉल ऐसे लगा देनी जैसे मैं लगा रहा हूँ और उसके बाद ना आपको डब्बे के ऊपर जंप करना है। तो डब्बे के ऊपर जंप कर करके आप लोग इस डब्बे के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पर से आपको वॉल के ऊपर जंप करना है और वॉल के ऊपर से ना पीक के इस वाले सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाओगे। तो भाई लोग यहाँ पर आने के बाद आप लोग सर्वाइव वगैरह कर सकते हो। तो भाई लोग मैंने आपको ये वाला हिडन प्लेस इसलिए बताया क्योंकि सारे एनिमी ना उस वाले सेकंड फ्लोर के ऊपर चढ़ते हैं, इस वाले सेकंड फ्लोर को सब लोग भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वाले प्लेस को यूज करोगे तो ये आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो भाई लोग यही थे आज के टॉप 10 हिडन प्लेसेस फॉर बरमूडा मैप। तो भाई लोग अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैप के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड लोग साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।